तो जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं एरिक विकासर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसा हमारा चेला है जिसने बिहार बोर्ड में झंडा गाड़ दिया, तांडव मचा दिया। भाई, जो मैं चाहता था उसने वो करके दिखाया है। और जैसा कि हमने बोला था, हमारे जो भी बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं उनको एक मोबाइल या गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज वो दिन आ गया है, वो समय भी आ गया है। तो साथियों, फिलहाल में हमारे साथ हैं केशव कुमार, बिहार समस्तीपुर से। इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया इस बार, तो चलिए जी उनका भी फेस थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। ये है केशव कुमार, बिहार समस्तीपुर से। तो केशव, कैसे हैं, क्या हालचाल? बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। तो अभी इनसे हम करेंगे अब बातचीत, तो शुरू करते हैं जी सिलसिला। आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस पे, ठीक है। तो गाइस, नाउ वी आर विथ केशव कुमार। केशव कुमार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। केशव, आपके पास मेरा क्वेश्चन होगा, दे दीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो बच्चे हमारे डिमांडिंग करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि केशव ने क्या कैसे किया। कहते हैं ना, दुनिया में सक्सेस से बड़ा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो कर्म किया नहीं उसको ऊपर वाले ने कुछ दिया नहीं। आपने बार बार ये लाइन नहीं सुनी होगी, मैं नया लाइन देता हूं, जिसने कर्म किया नहीं उसे ऊपर वाले ने कुछ दिया नहीं। तो कहते हैं बने रहोगे पगला तो टॉप कर जाएगा अगला, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो केशव, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, आप अपना नाम और कहां से आपने टॉप किया है ये बता दो मुझे। मेरा नाम केशव कुमार है, मैंने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा 420 मार्क्स आया है। और इसमें मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और यहाँ से जस्ट 12 क्लासेस से पढ़ाई किया था। और तो ये केशव कुमार है, इनसे हम एक एक करके क्वेश्चन, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप उन क्वेश्चन का जवाब दीजिए एकदम ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टी। पहला क्वेश्चन मेरा है, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे टॉप करना ही है? जैसे देखिए, टॉप करना कोई आम बात नहीं है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ, जैसे शुरू में एग्जाम जब पास आता है तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दें ताकि हमें और अच्छा मार्क्स आ जाए, लेकिन ऐसा सोचना एग्जाम के टाइम में सही नहीं। उससे पहले से हम सोचे कि हम कैसे तैयारी करें जिससे हमें और से पहले हाँ हम डिसाइड कर लें, हाँ जी, हम कैसे तैयारी करना है। तो केशव का कहना है इस क्वेश्चन पे कि पहले डिसाइड कर लो, जब आपका एग्जाम होने वाला है उससे पहले डिसाइड कर लो, यानी आप जब शुरुआत कर रहे हो क्लास 12th यानी 12वीं का, तब डिसाइड कर लो कि भाई हमें करना है टॉप। तो गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या सिर्फ आपने टॉप ही किया है कि आपके पास नॉलेज भी है? ये क्वेश्चन मतलब पता नहीं, बहुत लोग फेको इंसान टॉप कर लिए, पता होता कुछ है ये नहीं है। तो मतलब एज बच्चों का क्वेश्चन रहता, तो मेरा भी वही क्वेश्चन था कि सच में क्या आपने टॉप भी किया और नॉलेज भी है, दोनों है? दोनों चीज, मतलब आपने पढ़ाई जबरदस्त किया, पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज भी लिया है। लिया है, हाँ। तो अगर अभी कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो? जी जी जी, लाइव क्या बात है, यही चाहिए था, बहुत अच्छा। और मैं पर्सनली भी जानता हूँ इनको बहुत अच्छे से, इनके पिता का बड़ा सहयोग रहा है इनके टॉप करने में, और आगे भी इनके पिताजी इनके लिए मेहनत करवा रहे हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस का। अच्छा, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं और ये इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, इनका फोकस क्लियर है। क्योंकि अभी आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि सब कुछ कर ले तो करे बात, डिसाइड करता है करेंगे जो होगा देखा जाएगा, इसने पहले डिसाइड कर लिया तो अच्छी बात है। अब मेरा क्वेश्चन है कि माता पिता का रोल क्या रहा है, रोल क्या रहा आपके लाइफ में अभी तक का, और आपने कहाँ से पढ़ाई किया, टारगेट सेट कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो घर में और माता पिता का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वे सबसे जो प्रथम गुरु माने जाते हैं परिवार के, वे माता पिता ही होते हैं, जिनसे बच्चे कुछ सीखते हैं वो अपने, हाँ, जैसे मेरे माता पिता है वो, उनसे हमने ये सीखा कि जो मेरे माता पिता करते हैं वो हम नहीं करेंगे, उनसे और कुछ अच्छा करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और मेरे पिताजी हैं जो काफ़ी मोटिवेट करते हैं इसके लिए, जो जो आगे कुछ अच्छा करो। तो ये रहा इनका माता पिता का, टारगेट
सेट किया कि नहीं, टारगेट आपने सेट किया कि ऑफलाइन पढ़ना है मुझे, ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ा आपने? ऑफलाइन ऑनलाइन की बात अलग है, लेकिन देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, लेकिन काफी उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए जो नहीं, हम ऑनलाइन से भी काफी अच्छा मेहनत कर सकते हैं। यही है ऑनलाइन ऑफलाइन में ये होता है जो आप आमने सामने पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये होता है ना जो ऑनलाइन है तो हम नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है, आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन में भी, इसीलिए ऑनलाइन थोड़ा अच्छा माना जाता है। आप घर पे रहकर कम समय में और ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, ऐसा करिए और आपको काफी अच्छा लगेगा। क्या बात है, मतलब ऑनलाइन तैयारी आप कर सकते हो। इन्होंने, अब आप जानते हो हमारे यहाँ इस किया है तो हमारे पास है तभी तो, नहीं तो खरीदने वाले बहुत हैं, टॉपर खरीद लेते हैं। हम पहले ही बोले हैं कि टॉपर हम बनाते हैं, हम खरीदते नहीं। अगर कोई बच्चा ने मुझे मुझसे टॉप किया है, मुझसे पढ़ाई किया, तो आज नहीं तो कल मेरे पास आएगा, उसमें कोई वो नहीं है, मुझे जबरदस्ती पैसे दे के बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। आपकी फीस क्या लगी थी हमारे यहाँ टोटल? टोटल फीस 299 लगी थी जो काफी कम है, मानिए एक मात्र जैसे रजिस्ट्रेशन के तौर पर मानिए, और उसमें काफी अच्छा कंटेंट मिलता है, अगर आपको देखना है तो सभी आप। सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि हम लोग बस हाँ, कहते सभी हैं सब्जेक्ट आपको मिलेगा। टेस्ट वगैरह हाँ, होता है? टेस्ट प्रत्येक संडे को होता है, इसमें आप संडे प्राइज टेस्ट पर संडे आप 101 रुपया जीत सकते हैं आपने इसमें। कितनी बार जीता था हाँ, इसे? मैंने जितना बार टेस्ट हुआ था शायद उसमें एक दो बार ही नहीं जीत पाया था, लेकिन टॉप 10 के अंदर रैंक बना जरूर आता था लेकिन, और ज्यादा जितना बार टेस्ट हुआ था उसमें लगभग एक रैंक ही आता था मेरा। क्या बात है, इसने सही में इसका नाम हमेशा भी अभी जाके जितने भी टेस्ट में देखोगे टॉप 10 में है, और टॉप 10 वाले बच्चे सभी मेरे यहाँ टॉप किए हैं, तो ऐसा नहीं है, टॉप 20 वाले भी किए हैं, मेहनत किए बच्चे टॉप किए हैं। अच्छा, कितने घंटे एक बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए और कितने घंटे सोना चाहिए? ये बड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ना चाहिए तो आपको, जैसे एग्जाम अभी जैसे 2024 वाले बच्चे हैं तो अभी उनका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो शुरू समय में वो जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहे, 4 से 5 घंटे पढ़ विषय, मतलब पढ़ विषय एक एक घंटा कम से कम दीजिए, और हाँ, और जब एग्जाम आ जाए तो लगभग 8 से 9 घंटा पढ़ना चाहिए डेली। अच्छा चलिए, मेरा अब थोड़ा सा अद्भुत क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे आज के समय में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस चीजों को बहुत अच्छे से, आप इतने भी छोटे नहीं है जो चीजें नहीं जानते हैं, तो आप इस भागती दुनिया में, इस ग्लैमर की दुनिया में जो है अगल बगल चीजें जो हैं, जैसे लोग कर रहे हैं दोस्त वगैरह कुछ गलत रास्तों पे चले जा रहे हैं, तो आप फोकस कैसे किए मतलब इस लाइफ में कि हमें नहीं टॉप ही करना है, ये सब बेकार की चीज है, सब जानते हैं बेकार की चीज, लेकिन वही बच नहीं पाता जल्दी। अगल बगल की दुनिया में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है, अगर हमें खुद ही सोचना चाहिए, दूसरा दूसरा लोग क्या कहेगा ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं वही अपने अपने हृदय की बात को हमेशा समझना चाहिए। अच्छा, ये बंदा ऐसा है ना, यही जो है क्लास अगर हमारा एक दिन बंद रहता था तो फोन करके चलवा देता था, सर की क्लास क्यों बंद है, नहीं चालू करिए तो हमको पढ़ना है। तो ऐसे जब चेले रहेंगे यार तो फिर गुरु को तो आना ही पड़ेगा दोस्त, हाँ गुरु को तो आना ही पड़ेगा। तो भाई साहब लास्ट में क्रैश कोर्स भी चला था, फायदा मिला उससे, बहुत फायदा है, और मैराथन क्लासेस वगैरह के बारे में बताइए। जैसे मैराथन क्लास होता था महीना में, माने दो मतलब 2 दिन होता था संडे के संडे, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर काफी अच्छा से सॉल्व करवाया जाता था, जो एग्जाम में बहुत अच्छा से लगभग माने क्वेश्चन 70 से 75% क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाते थे एग्जाम में, और काफी अच्छा लगा। तो ये केशव कुमार जो कि बिहार में झंडा तो गाड़ चुके हैं, ये इनकी फर्स्ट वीडियो मैंने लाई है, और भी वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां और जाननी है इनसे, और इन्होंने जो किया है, मैं चाहता हूं आने वाले सभी मेरा चेला लोग तुम सब करो, यहां पे मैं सबको बुला के मैं चाहता हूं सबको मोबाइल गिफ्ट करूं, ठीक है, वो वाली वीडियो मैं अलग दूंगा, ठीक है, और सब लोग आओ मेरे पास, कहीं भी पढ़ो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मेरी कोर्स की फीस उतना ही रहेगी, अभी भी उतना ही है, 299 में पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि केशव जैसे स्टूडेंट हैं, इनके माता पिता के सपोर्ट से हम लोग सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चेला, और भी कोई डाउट हो
कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट डाल रखा है, आप वहां पे जाके मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर वो क्वेश्चन मैं आज ही इनसे पूछ लूंगा और वीडियो भी लाऊंगा। तो मुझे लगता है आपको भी मेहनत करना चाहिए केशव की तरीके से, और जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। कोई डायलॉग याद है? हाँ, और विकास सर का एक डायलॉग है, अरे बाबू थोड़ा सा वक्त दे पानी में भी आग लगा दूंगा, तेरे इस लाडले पे जोंस रहे मार्क्स, उनको एक अपनी औकात दिखा दूंगा। तो विकास सर का कुछ योगदान रहा गया ऐसे ही बस? बहुत योगदान रहा है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हमारा योगदान ना रहे हैं वो तो जो हम करते हैं करेंगे, हम चाहते हैं आप लोग के लिए करें। तो चेला जो भी दिक्कत हो और भी पूछ लेना, सारी चीजें मैं इनसे निकलवा लूंगा, ये टॉपर है, तुम्हें भी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं नहीं, हो सकता आज ये बैठे हैं कुर्सी पे कल तुम भी बैठोगे, ये सपना लेके चलो कि मुझे भी यहाँ बैठना है, सर के साथ इंटरव्यू करना है, मुझे भी जानना है। तो जस्टविल क्लासेस पे बने रही है, और 299 ही फेस है, नंबर दिख रहा होगा, कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले बच्चों के लिए कोई दो लाइन कहना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे, आप जस्टविल क्लासेस से जुड़िए, बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, क्विज मिलेगा, डेली मॉडल पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, यही सब। 299 जो लोग 10,000 कोर्स से भेजे उसमें कोई अंतर? जैसे तो कुछ लोग 10,000 में कोर्स भेजते रहे, 1500 में बेच रहे हैं, हम 299 में दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस लगा के, तो क्या डिफरेंस कुछ है? डिफरेंस नहीं है, लगभग मानिए सेम टू सेम वही चीज, जो आपको 10,000 में मिलेगा वो 299 में काफी उससे अच्छा ही मिल रहा है आपको। तो गाइस ये जुबानी है टॉपर्स की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बंदा समस्तीपुर बिहार से आया है, हमारे स्टूडियो पे है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा। तो केशव थैंक यू सो मच आने के लिए, और आपके लिए गॉड ब्लेस यू, और आगे जाओ आप, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।